दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली के गीत गाए। जिसके संबंध में कुल सचिव विश्वेश्वर प्रसाद ने बताया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की एक परंपरागत परंपरा रही है कि हर साल विश्वविद्यालय के कर्मचारी एवं अधिकारी उपस्थित होकर एक साथ होली मिलन कार्यक्रम को किया जाता है और गोरखपुर विश्वविद्यालय के उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना के साथ ये कार्यक्रम कराया जाता है। उन्होंने बताया कि बच्चों के साथ भी होली मिलन का कार्यक्रम कराने का पूरी तरह तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं, इस कारण अभी कोई डेट फिक्स नहीं किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव विश्वेश्वर प्रसाद ने कहा, इस कार्यक्रम में आप सभी आदरणीय लोगों का स्वागत है। इस मंच के द्वारा आज बहुत ही प्यारा होली मिलन समारोह रखा गया है। तो आइए किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले हम हिंदू रीति रिवाज से भगवान गणेश की आराधना करेंगे, उसके बाद होली के रंग में हम सभी रंगेंगे। जितने भी गण ब्रह्मांड लोग सर लोग अधिकारी लोग सभी सर लोगों का स्वागत इस मंच के द्वारा। विश्वविद्यालय की एक प्राचीन परंपरा रही है कि हर साल कर्मचारी जो है अपने कर्मचारियों बंधुओं को जो है होली मिलन कार्यक्रम रखते हैं। उसी के उपलक्ष में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी विश्वविद्यालय के कर्मचारी शिक्षक अधिकारीगण उपस्थित हुए हैं और सबसे विश्वविद्यालय की भविष्य के मंगल कामना के साथ ये जो है कार्यक्रम कराया जाता है कि हर साल विश्वविद्यालय में इसी तरह से सबके साथ सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे हैं। धन्यवाद। आवाज पर भी होली मिलन कार्यक्रम होता है, इस कर्मचारी संघ का भी कार्यक्रम होता है, क्योंकि बच्चों के साथ अभी हम लोगों का कार्यक्रम कराने का विचार है, लेकिन अभी उनके लिए कोई निश्चित समय नहीं हुआ है, क्योंकि परीक्षाएं चल रही हैं, हमारे 19 से परीक्षाएं हैं, इसलिए हम लोग उस परीक्षा कार्यक्रम में व्यस्त हैं। भविष्य में ऐसा कभी मौका मिलेगा तो उनके साथ भी कार्यक्रम करेंगे।